प्रभु जी, 1 मिनट, आई जस्ट हाईलाइट यू, 1 सेकेंड. यस यस नो प्रॉब्लम आता जी, जस्ट इज यस प्रभु जी, इंटर, जस्ट इंटर, जस्ट इंटर. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरत्नातापितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखापितंश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छाकल्पतरुवश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते ग्रीं यत्कृपातं वंदे श्रीगुरु दीनदारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम. राधा मदन मोहन जी की जय, राधा गोविंद जी की जय, राधा गोपीनाथ की जय, राधा रमन की जय, राधा माधव की जय, नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय, सर्व संतों की जय, गौरंगा की जय, गौर निताय की जय, अनंत कोटि वैष्णव के श्री गोपाद की जय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन. आप सभी हरे कृष्णा गुरु आप सभी को और आप हरे कृष्णा जैसे प्रणाम. ओके लेट मी जस्ट सी ऑल ऑफ यू, लेट मी वंस सी ऑल ऑफ यू. ओके मीनाक्षी माता जी हरे कृष्णा, रोशन प्रभु एंड माता जी, आई डोंट नो माता जी नेम बट रोशन प्रभु एंड माता जी हरे कृष्णा, दीप्ति माता जी हरे कृष्णा, अगर अगर माता जी हरे कृष्णा, अंदर्शनी एंड हर्षनी माता जी हरे कृष्णा, योगेंद्र योगेंद्र प्रभु हरे कृष्णा, राहुल प्रभु, आयुष प्रभु, नमिता माता जी, सीता माता जी, ज्योति माता जी, दिव्या माता जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, राहुल प्रभु, भारती माता जी हरे कृष्णा, माता जी कंचन हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा माता जी, मंजू माता जी हरे कृष्णा, फेरी प्रभु, हेमंत प्रभु, गोरेश प्रभु हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा गुरु जी, थैंक यू सो मच, दीपिका माता जी, शाश्वत प्रभु, पूजा माता जी, उमेश माता प्रभु, अंजलि माता जी, तनुश्री माता जी, बंसीलाल प्रभु, अंजलि माता जी, रोहन प्रभु, वैष्णवी नीता माता जी, वैष्णवी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी, राकेश प्रभु जी, उर्मिला माता जी, आई एम ऑलवेज बीइंग अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, हमेशा हमारे लिए बैकग्राउंड में रहती है, राजेश्वरी माता जी, प्रतिमा माता जी, गोविंद प्रभु, जमुना प्रभु, सभी कोई को मेरा हृदय से आप सभी लोग को मेरा नमन। और इस सत्र में आप सब लोग उपस्थित होकर हमें कृतार्थ कर रहे हैं, और हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा पद्मजा माता जी, हरे कृष्णा, आपका यहाँ पे उपस्थिति हमारे लिए शक्तिवर्धक है, आप यहाँ पे मौजूद हैं। हर्षि माता जी के मेक हर कोर्स प्लीज, एंड यस हमारे और भी जो हमारे श्रोतागण ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम सब लोग आज सत्र को शुरुआत करते हैं। माता जी एंड प्रभु जी, आप जब लोग सब लोग को मैं इसलिए संबोधन माता जी और प्रभु जी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग हमारे लिए पूजनीय हैं, और आप सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं मैं हृदय से आप लोग का नमन करता हूँ। तो नमन करने के समय में हम सभी लोग ईश्वर को समक्ष अपने आप को प्रार्थना के रूप में प्रार्थी बनकर, और आप सब लोगों के लिए शुभ मंगल कामना, साथ साथ में आप सभी लोगों को शुभाशुभ हो, आपके जीवन में हर तरह की मंगल कामनाएं जो है परिपूर्ण रहे, और आप लोग हमेशा इसी तरीके से मुस्कुराते हुए जो भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने की जो श्रृंखला है, क्योंकि ये अभी शुरुआत हुई है, खाली आप सब लोग को थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ कुछ है, जैसे कहते हैं ना कि स्टार्टिंग हम लोग खाना के आगे कुछ पहले ऑर्डर क्या करते हैं, स्टार्टर्स, तो स्टार्टर के रूप में है, इसके आगे आप लोग को और भी कुछ अभी आने वाला है, तो हम सब लोग आज ही डिस्कस कर रहे थे, तो आप सब लोग को मेन कोर्स भी मिलेगा, तो उसके लिए आप सब लोग जुड़े रहे। और जैसा कि माता जी ने कहा है, हर्षि माता जी ने कहा था आप सभी लोगों को, और पद्मजा माता जी मेरे दो दिन पहले ही बताया था कि सब लोग जुड़े रहें, और इस सत्र का, क्योंकि एक एक शब्द जो मैं बोल रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि हम सब लोगों ने जैसे अपना अपना प्रिपेयर किया, सब एक बड़ी टीम है, वो इकट्ठे बैठ कर और सबके लिए, कि जिससे कि आप सब लोगों को इसका एक, जैसे मैंने कहा कि हमारा संबंध आध्यात्मिक संबंध है, हमारा कोई भौतिक संबंध नहीं है। हो सकता है इसमें प्रश्न के द्वारा और जिज्ञासा के द्वारा आपके मन में जो कौतूहल है वो मैं शांत ना कर पाऊं, या फिर मैं, हो सकता है कि मैं ना उसको पूर्ण कर सकूं, लेकिन हमारी प्रयास रहेगी कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो आगे आने वाले और सत्रों में आपको उसके ऊपर में विशेषाधिकार रहेगा और आपको ज्ञान प्राप्त होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है, और मैं अपने तरफ से आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप सब लोग भी अपने आप को मेरे जगह पर देखने का प्रयास कर सकते हैं। अगर मैं अपना मतलब मेरे जगह पर, इन द सेंस कहने का मतलब यह है कि मैं अगर जैसा कि मैंने आप सब लोग को और हमारा जो आप सब लोगों को बताया गया कि मैं कार्यरत हूँ, और जो आंग्ल भाषा में हमने पढ़ाई की, फिर बाद में हमने तकनीकी शिक्षा ग्रहण करके और एक जगह पे पदस्थ हैं, और पिछले कम से कम मतलब आप ये समझिए कि 94 के दशक 94 से समय कार्यरत, और ये सिर्फ इतना बताने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे में मैं आप सब लोग को अपना जीवन के बारे में कुछ कुछ अंश बता रहा हूँ जो कि आप सब लोग के लिए प्रेरणादायक हो। हरे कृष्णा। तो हम सब की शुरुआत करने से पहले परंपरागत के अनुसार पिछले सत्रों में जो हम सब लोगों ने हम लोगों ने 3 सत्र है, आज 4th सत्र है, तो पहले सत्र में 2 लाइन क्योंकि 2 चीजें हमने जाना था उसके बारे में आप लोग कोई एक हमारे श्रोतागण जो है माता जी हो या प्रभु जी आप बता सकते हैं, फिर दूसरे जो है वो 2nd डे के बारे में बोलेंगे, और एक तीसरे जो है वो 3rd दिन के बारे में बोलेंगे। यस, कौन वॉलंटियर करेगा?
पहले दिन के बारे में बहुत सिंपल है, भौतिक और आध्यात्मिक के बारे में बताया था, भौतिक जिंदगी क्या रहती है और आध्यात्मिक जिंदगी कैसे, दो तरह के, हाँ दो तरह के ज्ञान के बारे में चर्चा की थी जी माता जी। और सेकंड डे पे प्रभु जी कर्म सिद्धांत क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में बताया। हाँ नहीं, उसके पहले हम सब लोगों ने पहले दिन पे कि हमारे गीता के पांच अंग देखे थे, हाँ पांच चीजों के बारे में हम सब लोगों ने चर्चा की थी। ठीक है, भगवत गीता के बारे में बताया था, मतलब गीता क्या है, कृष्ण जी के मुख से जो गीत निकले हैं। जी जी, तो भी गीता के ऊपर में विश्लेषण की थी, गीता के बारे में बताने का, कुछ अनसुनी बातें जैसे कहा जाता है उनके बारे में हम सब लोगों ने कुछ कुछ चर्चा की। और गत वर्षों में हम एक तो क्या है कि ये भी कह सकते हैं कि तकनीकी विशेषताओं के कारण और तकनीकी जो कहते हैं कि मतलब जैसे सब प्रोग्रेस हो रहा है, हम सब लोग कहते हैं कि मानव जाति जो है आगे की ओर प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन उसमें कहीं हमारी चीजें जो है, जो हम सब लोग इन्वेंशन कर रहे हैं तो साथ साथ में कुछ उसके साथ में विघटन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज के समय में ये तकनीकी उपलब्धि होने के कारण ही आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर एक साथ इस प्लेटफॉर्म पर रहकर 50-100 लोग इकट्ठे जो है वो चर्चा कर पाते हैं और हम लोग एक दूसरे से को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो और मैं आप सब लोग से यही प्रयास करूंगा कि जो हम लोग सत्र जो है, जैसे पहले सत्र में आप लोग सब लोगों ने सुना, और अब दूसरे सत्र में हम सब लोगों ने क्या क्या देखा था, दूसरे सत्र का शीर्षक क्या था, कर्म सिद्धांत तो कर्म के बारे में हम सब लोग, अच्छा ठीक है, उसके ऊपर में कुछ आप लोग बताने का प्रयास करें कि हम लोगों ने उसमें क्या क्या देखने का, जिससे कि हम लोग क्या है कि अपना सीक्वेंस जोड़ सकते हैं आगे आगे जो हम लोगों को करना है उसके बारे में हम लोग कर सकते हैं। हाँ बोलिए, हरे कृष्णा बोल। जी प्रभु जी, हमारे पूर्व में किए गए कर्मों पर आधारित होता है सुख और दुख मिलते हैं। हाँ माता जी, और में हम लोगों ने क्या देखा, यस 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 प्रभु बोलिए। हमने कर्म के बारे में सीखा था हमने कि कर्म तीन प्रकार के हैं, कर्म विकर्म और अकर्म, और कर्म जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो हम शास्त्र के नियमों के अनुसार कर्म करते हैं वो तो सत्कर्म में आते हैं, और जो शास्त्र विरुद्ध है अधर्म के, जो अधर्म से संबंधित है वे सब विकर्म है, और जो कर्म हम जो हमें पाप और पुण्य से बिल्कुल अलग कर देते हैं वो अकर्म है, ईश्वर के प्रति जो हमने कर्म किया वो अकर्म में आता है। अच्छा। और वही हमारे मोक्ष का कारण बनेगा। जी माता जी बहुत अच्छी बात बोला आपने, और कुछ हम लोगों ने देखा था उस सत्र में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोलिए माता जी। एक ही ईश्वर हमारे साथ भेदभाव नहीं करता है, ये सिर्फ हमारे कर्म है जो हमें ये सब भोगने को देता है। ठीक है, तीसरे सत्र में हम सब लोगों ने क्या देखा, शीर्ष क्या था तीसरे सत्र का, जीव जीव आत्मा के विषय में पढ़ा हमने। गुरु जी नमस्कार। विष्णु पुराण के अनुसार 28 लाख प्रजाति होती है, तो अपने शरीर जिसे चुनता है मतलब उसके साथ जुड़ते हैं, तो उसके बारे में भी आप विवरण किया। अच्छा तो ओके ठीक है, मैं बहुत सारे चीज हम सब लोग 45 मिनट 50 मिनट के दरमियान जो भी हम सब लोग बोलते हैं उसमें बहुत सारी चीजें बोलते, लेकिन मूल चीजों को जो याद करने की चीजें हैं हम सब लोगों ने प्रयास किया था, किसमें, किसका, शरीर और आत्मा। इसमें हम सब लोगों ने प्रयास किया था। अच्छा मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और ये मैं बार बार पूछूंगा, मुझे क्षमा करते रहेंगे क्योंकि मैं आप सब लोग को बस याद कराने के लिए। अच्छा अब मैं आपसे पूछूंगा, आपकी पहचान शरीर से है या आत्मा से?
हमारी पहचान तो शरीर से है, शरीर से। अगर आत्मा नहीं है तो ये शरीर मृत हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं वही पूछा, तो आपकी पहचान शरीर से है या आत्मा से? शरीर से, आत्मा से, आत्मा से। पहचान तो शरीर, जो आत्मा ने, जो आत्मा ने शरीर धारण कराया है, आत्मा से हमारी पहचान है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका आत्मा का नाम क्या है प्रभु जी? नाम से प्रभु। नहीं, ठीक है, गौरेश प्रभु माता जी हमसे कह रही है कि शरीर से, शरीर तो पंचभूत का बना हुआ है, जीर्ण शीर्ण हो जाती है, आत्मा शाश्वत है, तो शाश्वत चीज से ही तो पहचान होगी ना। अब आप बोलेंगे कि इस जीवन में हमारा नाम कुछ था, लेकिन एक बात बताइए कि पहचान तो उस जीवात्मा की है ना, वो जीवात्मा फिर कोई और शरीर धारण करेगा, तो हमारी पहचान शरीर से नहीं। संसार में लोग हमें हमारे नाम से और शरीर से जानते हैं। हाँ, तो ये भौतिक जगत की परेशानी जी, इसलिए भौतिक जगत, हम रहते तो इस भौतिक जगत में ही है। हाँ माता जी, ये हम सब, हम लोग आ गए हैं ये। हाँ, इसको आप चेंज कर लीजिए, मैं आपको जो संटे, आपने कहा कि हम रहते नहीं, हम आ गए हैं। कल भी हम लोग मैं क्या, हाँ प्रभु है, कल भी हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे, तो कुछ प्रश्नों का पूछा है प्रभु ने, हम सब लोग उसको छठे दिन पे लेंगे। हम सब लोग आ गए हैं माता जी, ये हमारा हमारा परमानेंट घर नहीं है, ये हमारा टेम्पररी रेसिडेंस है। जैसे हम सब लोग जैसे जो जो जॉब करते हैं, कभी कभी शहर बदलना पड़ता है, तो हमारा, तो आप आज एक घर में थे, रह रहे थे, अभी वो घर छोड़कर आप दूसरी जगह पे जाते, दूसरे घर में रहते हैं, तो एक टेम्पररी रेसिडेंस है। और मैं आप सब लोग से ये पूछना चाहता हूँ, मान लिया जाए कि आपके नाम से, ओके मेरे नाम से, जैसे कि मेरे नाम से मैं जो है एक घर जो है यहाँ इंदिरापुरम, या मैं जहाँ पे अभी रुका हुआ हूँ, इससे कुछ दूर पर हमने घर ले रखा, अपने भाई के घर के थोड़ी दूर पे, उस पे हमारा नाम से उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब ये बताइए, जिस समय में मैं नहीं रहूंगा, वो घर किसका हो? तो आप बोलेंगे कि आप आगे जो फैमिली में उनका हो जाएगा। अच्छा, उसको ठीक है, और उसने मान लिया जाए कि मेरा एक ही संतान है, वो बोले कि नहीं, ये जो है घर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जो है कहीं और रहूंगा, तो फिर क्या होगा ये घर? ये घर फिर बिक जाएगा, किसी और के नाम पे हो जाएगा, है कि नहीं? तो हमारा जो, मैं ये बताना यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ कि हमारा ये टेम्पररी रेसिडेंस, और हम लोग यहीं पे टेम्पररी रेसिडेंस में अपना परमानेंट घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो हम सब लोगों ने देखा शरीर और आत्मा में क्या अंतर, तो इसको जरूर जानना चाहिए, तभी मैं थोड़ा सेशन को आगे फिर लेकर जाता हूँ। शरीर और आत्मा में क्या अंतर, इसको हम सब लोग को थोड़ा सा दिमाग में बैठाएंगे। कल क्या क्या चीज मैंने बताया था? आत्मा शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, शरीर का परिवर्तन होता रहता है, आत्मा ना बूढ़ी होती, ना जवान होती, ना मरती, ना इसको शरीर, ना इसको जल जला सकता, वो कह अग्नि जला सकती। अच्छा, एक चीज आप बोली, फिर दूसरा कोई आदमी और बोलेगा, दूसरा पॉइंट। हम लोगों ने कल काफी कुछ इसके ऊपर में डिस्कस किए थे, एक पॉइंट तो माता जी ने कह दिया। अभी हमारा बीत जाता है, मनुष्य का पूरा जीवन, हमारा पूरा जीवन पवर्ग में ही बीत जाता है, ही हमारा पूरा जीवन व्यतीत होता है पवर्ग में। अच्छा, आपने पवर्ग याद है, वेरी गुड रोशन प्रभु, अब याद रखेंगे, प से परिश्रम और म से मृत्यु, हमारी पूरी की पूरी जीवन म में वो चला जाता है। अच्छा ठीक है, उसको आपने याद किया, ठीक है, ये है। उसके अलावा हमने क्या कहा था, शरीर जैसे माता जी, हाँ आत्मा का साइज है, एक एक थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी नहीं। अच्छा, आत्मा का कुछ क्वालिटी मैंने बताया, आत्मा अजर अमर है, अजर अमर तो आपने माता जी बता दिए, सबसे पहले ही आपने बताया है, आत्मा का क्वालिटी कुछ मैंने बोला था,
आत्मा क्या हो? आत्मा आत्मा सच्चिद परमानंद। हाँ अभी आपको याद कर दिया, सच्चिदानंद परमानंद। और शरीर शरीर अगर आत्मा परमानंद है शरीर को भी परमानंद होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो हम सब लोग हरे कृष्ण विपरीत प्रकृति के है शरीर। माता जी फिर से रिपीट करिएगा प्लीज। और शरीर और आत्मा का अंतर प्रभु जी वे बिल्कुल विपरीत प्रकृति के है, अर्थात निरंतर या शाश्वत। ठीक है। अच्छा अब आप सब लोग के सामने मैं एक एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये शरीर हमको मिल गया। मिल गया मतलब कि मैंने कुछ इसके ऊपर मैं भी चर्चा की कल। कल एक प्रश्न प्रभु ने पूछा था, उसमें भी मैंने आप लोग को बताया था। ये मनुष्य शरीर सबसे निम्न कोटि का होता है, सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? गलत है प्रभु। सबसे श्रेष्ठ कोटि का होता है। सबसे श्रेष्ठ कोटि, देखिए फिर प्रभु ने बताया, क्योंकि ये हमारा सबसे उच्चतम जो जो कहा जाता है। और हमने कहा था आप लोग को उसमें स्लाइड में दिखाया था कि हमारा जो एक तरह से 84 लाख योनि की जो यात्रा है जल जल से शुरू होता है और अंततः जल से उसके बाद तल पे और इस तरह से जड़ चेतन और धीरे धीरे पक्षी पक्षी के बाद चार पैरों पे चलने वाले जानवर और अंततः मनुष्य के श्रेणी में हम सब लोग प्रविष्ट होते हैं। तो मनुष्य का जो श्रेणी जो हमें मिलता है उस श्रेणी में आने के लिए भी हमने आपसे क्या कहा था कि मनुष्य की ये जो शरीर है प्राप्त कैसे होगा? ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा अच्छे कर्म करने से अपने अलग अलग जन्मों में। आज अपने अपने आप अप, अच्छा अब इसमें पूछाएगा कि प्रभु जी आप तो अभी बता ही रहे थे कि सबसे उच्चतम जो हमारी जो श्रेणी है जो मनुष्य में वो हम लोग और हमारे और जानवरों में कुछ अंतर होते, लेकिन सब में चेतना है। मनुष्य की चेतना जो है सबसे ज्यादा होती है, उसका हम सब लोग आगे के एक दो सत्र में और जो बच्चे को सत्र में हम लोग उसके डिस्कस करेंगे। ये चेतना जो जानवरों में भी होती है, तो मैंने आप लोग को बताया था तीन जानवर जो उनका इमीडिएट प्रमोशन मनुष्य में होता है। उनका कौन कौन से हैं वो? गाय, शेर और बंदर। शेर और बंदर। बंदर। हाँ, तो प्रायः उनका जो युवा मतलब एक तरह से कि वो क्रॉस करके अब यहाँ पर उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो मनुष्य के शरीर को धारण करके प्रकट हो सकते हैं। तो आप प्रभु अब बोलेंगे कि ये प्रभु जैसे प्रभु प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर आप अगर आज के समय में अगर देखेंगे तो आप उसको भली भांति समझ सकते हैं कि बहुत सारे पुरुषों में जो मतलब मैं ये हम सबने सुना है और जो हमने विगत चीजों को जो दर्शन किया उससे हमें माया पाया गया, बहुत सारे क्रूर जो प्रवृत्ति हमारे शरीर के अंदर में आती है, तो हम लोग इतना समझ सकते हैं कि जरूर जो है सिंह का मतलब शेर का जो है वो ये शरीर धारण। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि बहुत चंचल होते, बहुत चंचल, उसमें कुछ लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान और तेजस्वी भी होते हैं। तो हम सब लोग सोच सकते हैं कि उनका किससे हुआ है? बंदर से। बंदर से हुआ है। अभी तो आप लोग आंसर दे देंगे। और जब हम देखते हैं अच्छा कुछ है, आप सब लोग ने एहसास किया होगा कि कभी कभी किसी व्यक्ति को देखकर आपके मन में बड़ी मतलब बहुत श्रद्धा जागती है और एक तरह से उनको रेस्पेक्ट जागता है या फिर ऐसा बोल सकते हैं अच्छा लगता है। तो वैसे व्यक्तित्व कहां से प्रकट हुए होंगे? गाय कैसे बोलते हैं कि ये जो है ना गाय की जैसे सीधा है। हाँ पुरुषों के बारे में ज्यादा बोला जाता है कि ये गाय की, माताओं के बारे में गाय की तरह गाय की तरह सीधी है ऐसा नहीं बोलते, लेकिन हाँ जो मैंने कहा कि
थोड़ा ये जो है अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इससे हम सब लोग को मालूम चलता है। लेकिन अब ये कहने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं। और वही मनुष्य जो चंचल है, व्यग्र है या फिर वो थोड़ा क्रूर है, हो सकता है कि इस जीवन में आने के बाद उसके कुछ ऐसे प्रवृत्ति होंगे कि वो जो है उसका भी प्रोग्रेशन हो जाएगा। वो हम लोग, मैंने प्रभु को भी प्रॉमिस किया है कि हम बताएंगे। और कुछ मनुष्य जो है ऑलरेडी उस अवस्था में है, जैसे कि हमारे भरत महाराज। भरत महाराज इतने दिव्य थे, उन्होंने मतलब नौ श्रेणी में होता है भक्ति की, नौ श्रेणी में सबसे उच्चतम स्थान पर आकर भी अंत में उनको फिर से हिरण बनना पड़ा, लेकिन उनकी चेतना नहीं गई थी। हिरण बनकर फिर वापस मनुष्य श्रेणी में आए और अंत में मनुष्य श्रेणी में आने के बाद फिर से उनके जो है वो वापस अपने भगवत धाम को प्रवेश किए। तो ये सब जो प्रोग्रेशन की बातें जो हो रही है, इसके ऊपर में हम सब लोग आज थोड़ा सत्र में प्रयास करेंगे जानने का, क्योंकि हमारे पास क्या विशेषाधिकार है। माता जी, कैन वी स्टार्ट द स्लाइड प्लीज। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा, नहीं तो फिर वो भूल जाऊंगा। वो ये है कि अच्छे कर्म आप करेंगे तो अगला जन्म आपको, आप अगली योनि जो होगी वो बेहतर योनि मिलेगी, है ना? यही हम कह रहे हैं ना, इस जन्म में अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में आपको पहले से बेहतर योनि मिलेगी, कि है ना? ये मनुष्य तक आती है प्रभु जी, मनुष्य तक आएगी ना। हाँ, मनुष्य श्रेणी में जब तक हम आएंगे तब तक हमारे अपने जो आपने जो कहा कि हाँ, अच्छे कर्म। अब एक जहरीला सांप है, वो ऐसे क्या अच्छे कर्म कर लेगा अपनी जिंदगी में कि अगला जन्म उसको बेहतर मिले? इसीलिए क्या कर लेगा वो? हाँ, नहीं, इसीलिए प्रभु, बहुत बार सांप एक्चुअली में जहरीला है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति जो है वो काटने की नहीं होती, अपने आप को बचाने की होती। तो इसीलिए हम अगर ये सोचते हैं कि वो काट लेता, तो वो काटता नहीं है, वो डर के आप जब वो अपना बचाव करता है। बस जानवर की एक बहुत, हम लोग अभी देखेंगे, जानवर की एक प्रवृत्ति होती है। जानवर कभी भी आपके ऊपर में ऐसे हिंसक रूप से प्रहार नहीं करेगा। अब बोलेगा कि शेर भी आप देखिए, बहुत जंगल में और बहुत सारे लोग तो आजकल जो घूमते हैं, वो चुपचाप कहीं पे लेटे रहेंगे। अगर उनकी उधर तृप्ति अगर हो चुकी है, उधर मतलब पेट का भोजन अगर उसको मिल चुका है, वो एक सामने से कोई जाएगा उनको फर्क नहीं पड़ता है। जी, लेकिन जब नई शेरनी के साथ जाता है तो उसके सारे बच्चे मार डालता है शेर जो है। तो अब ये तो कोई ऐसा अच्छा कर्म नहीं हुआ जिसके लिए उसको बेहतर जन्म मिले। तो मतलब ये नहीं, बेहतर जन्म ऐसे कौन से अच्छे कर्म कोई जानवर कर देगा जिससे कि उसकी अगली योनि बेहतर हो जाए? ये नहीं मिल सकता। प्रभु, हम सब लोग जैसे कि ये तो मैंने आप सब लोग को एक सिद्धांत बताया कि हम सब लोग की श्रृंखला में जो है कैसे कैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं। अब जानवरों में प्रभु के कौन कितना कैसे क्या कर रहा है, ये सब हम लोग संशोधन तो नहीं कर सकते हैं। इतना मानते हैं कि जो साइंटिफिक तरीके से हम सब लोग का प्रोग्रेशन इस तरीके से होता है। आपका प्रश्न वाजिब है, लेकिन उसका जवाब इस तरीके से मैं नहीं दे सकूंगा कि हम सब लोग कौन सा कर्म किए जिसकी वजह से हमारा होना ही होना है, और वो होता रहता है। इसी वजह से हम सब लोग मनुष्य श्रेणी तक पहुंचते हैं। ठीक है, मनुष्य श्रेणी, मनुष्य योनि में अगर बुरे कर्म करेंगे तो दोबारा हमको कीड़े मकोड़े भी बन सकते हैं। यही बात तो है प्रभु। हाँ, वो तो है, अगर हमारी अपनी पद्धति और जीने की जो कहते हैं ना कि श्रेणी में अगर हम लोग, आपने जैसा बोला ना, जिस तरह के कर्म करेंगे तो भोगना तो पड़ेगा ही। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है माता जी, हम प्रश्न प्रभु अभी हम लोग आगे सत्र को बढ़ाते हैं। तो आज का जो सत्र है मानव जीवन का विशेषाधिकार, और इसको हम सब लोग, हम और यहाँ पे उपस्थित आप सभी जो है हमारे संस्थापक आचार्य माता जी, नेक्स्ट स्लाइड, प्रभुपाद, वी हैव टू ऑलवेज, सो हमारे प्रेरणा और समर्पण के स्रोत श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री एसी भक्तिविनायक स्वामी प्रभुपाद, जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भक्त संघ के संस्थापक आचार्य होने के नाते साथ साथ में उन्होंने हम सब लोग को प्रेरणा दी, और हम सब लोग उनके बहुत से बोल सकते हैं, और आप सभी लोग उसी में जुड़े हुए हैं।
तो आज उनके वजह से हम सब लोग भगवान की इस खासकर गीता का जो रहस्य जो हम आप लोग के सामने में प्रयास कर रहे हैं बताने का, वो उन्हीं की देन। तो हमारा पूर्ण रूप से उनको समर्पण करते हुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आशीर्वचनों के साथ और आप सब लोग के लिए प्रार्थना करते हुए हम इस सत्र को शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। तो आज हम लोग क्रम से चार क्राप का कार्यकलाप जो मनुष्य और पशु में समान है ये जानने का प्रयास करेंगे। अंतर लेकिन है क्या मनुष्य और पशुओं में, मानव बुद्धि बनाम पशु बुद्धि, तो इसके ऊपर में हम सब लोग देखेंगे। और हम एक सार्थक जीवन जी रहे हैं कि ये प्रश्न सभी के मनुष्य के जीवन में होना चाहिए, क्या हमारा जीवन सार्थक जीवन है। बुद्धि के लक्षण क्या होते हैं, बुद्धि के क्या लक्षण, और तीन प्रकार की समस्याओं से जो ये पूरा ब्रह्मांड या ये बोल सकते हैं कि जो भूलोक है ये त्रस्त रहता है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और आप सब लोग इसको लिख सकते हैं, मैं इतने तो जल्दी बोलता नहीं हूँ, कुछ कुछ उसके ऊपर मैं बोलते रहता हूँ, तब तक आप लोग थोड़ी थोड़ी मतलब लिखने का प्रयास करते रहिएगा। और दो तरह के समाधान उसके बारे में आप लोग चर्चा करते हैं। माता जी नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी मैं आप सब लोग को एक नोट पैड और पेन मैंने आप लोग से रिक्वेस्ट किया था। आप लोग नोट पैड में चार अलग अलग जीवित प्रजातियों को नोट करके उनकी कुछ विशिष्ट योग्यताएं, मतलब कुछ स्पेशल क्वालिटीज, फॉर एग्जांपल चील जो है ईगल, उसका जो नेत्र जिसको उसके देखने की जो क्षमता है वो तक होती है, तीव्र नेत्र दृष्टि उसको ऐसा बताया गया है, बहुत दूर से वो अपने किसी भी चीज का वो दृष्टि गोचर कर सकता है। उसी तरीके से आप सब लोग थोड़ा एक मिनट में आप लोग कुछ कुछ लिख कर फिर मैं आप लोग से पूछता हूँ, आप लोग अपने अपने आप लोग वक्तव्य को फिर बताइए। हरे कृष्णा। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। चील तीव्र नेत्र, जो उम्मीद है कि आप सभी लोग इतने हैं क्योंकि आप समझदार हैं, आप सभी लोग जरूर लिख लिए होंगे। तो मैं आप सब में से आग्रह करूंगा कुछ कुछ श्रोतागण जो हैं वो बता सकते हैं एक एक, 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 एक करके। हाँ एक एक आदमी एक एक चीज बोले। हाँ जी, कुत्ते में सूंघने की क्षमता जी, वो अच्छा बोला आपने माता जी, और सुनने की भी क्षमता जो है कुत्ते में अलग ही होती है। और उल्लू रात में मतलब जागता है, वो सब रात में ही देखता है, वो उल्लू अच्छा, को रात में ही दिखाई देता है। उल्लू जो है नॉक्टर्नल एनिमल है, मतलब रात में जागने वाला प्राणी। ठीक है, यस। बगुले जैसा ध्यान, आपने चींटी जो है जैसा ध्यान ज्यादा वजन उठाती है, चींटी अपने से ज्यादा वजन उठा सकती है। वेरी गुड, अच्छा। और पाप चेष्टा कौवे जैसी चाह। एक 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 करके एक माता जी बोलिए। हाँ जी, बगुले जैसा ध्यान। हाँ, कि जैसे बगुला तक ध्यान करता है। हाँ, काक चेष्टा को ध्यान, श्वान निद्रा। बचपन में मेरी माँ मुझे सिखाया करती, काक चेष्टा बको ध्यान, स्वान निद्रा तथा बचा, पंच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी, पंच लक्षण विद्यार्थी के पांच लक्षण है।
उसमें से बको ध्यानम, बगुले के जैसा ध्यान, काक चेष्टा मतलब कौए के जैसा प्रयास करना, और स्वान निद्रा मतलब कुत्ते के जैसा सोना, अल्पाहारी थोड़ा खाना, गृह त्यागी मतलब खैर हॉस्टल में रहना, वो तो आजकल वो गुरुकुल की तो पद्धति लोगों ने खत्म कर दी। ठीक है, आपने बोला अच्छा, और कोई बोलना चाह रहे? प्रभु जी कुछ बोल रहे थे। गीता दौड़ता है, चीता, चीता तेज दौड़ता है बहुत। हाँ, चीता, चीता का है कि फास्टेस्ट रनिंग एनिमल। ठीक है, और तो ओट मतलब बहुत दिन पानी, मतलब बहुत सारा पानी पी सकता है, मतलब काफी दिनों के लिए अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ऊंट जो है, अच्छा माता जी आप राजस्थान से हैं? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, पंजाब से। अच्छा, ऊंट जो है, ऊंट के पेट में कहा जाता है कि सात थैली होती है, सेवन बैग्स, और ऊंट एक एक महीने तक बिना पानी पिए चल सकता है। इसलिए रेगिस्तान में आप देखेंगे, क्योंकि वहां जल की कमी होती है, तो ज्यादातर हमारा जो साधन है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, उसका प्रयोग ऊंट के द्वारा की जाती है। ऊंट के अंदर में इतनी क्षमता होती है। अच्छा, और कुछ इस विशेष? अच्छा, आप लोग ये बताइए, हाथी कितना खाता है? वो भी एक क्वालिटी ही है। हाँ जी, हाथी बहुत खाता है, बहुत अच्छा, बहुत। तीन सौ किलो है, 300 किलो पर वो सही। अच्छा, हाथी लगभग 100 व्यक्तियों का भोजन, एक दिन का 100 व्यक्ति का भोजन हाथी एक बार में खा जाता तो वो बराबर हो गया 300 किलो या जो भी प्रभु ने बताया, ये उसकी विशेषता है। लेकिन हाथी जो कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड माताजी, नाउ विल गो एट। तो हम सब लोगों ने मनुष्य, अब तो अभी ये देख रहे हैं, हम सोचने का प्रयास कर रहे हैं, मनुष्य और जानवरों में समानचार क्या गतिविधि है। देखिए, अभी हम लोगों ने विशेषताएं जानने का प्रयास किया, और अब हम सब लोग उसको मनुष्य और जानवरों में चार समान गतिविधियों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड माता जी, अब देखिए कितना सुंदर, एक बच्ची जो है सबसे, वो कुछ काटा हुआ फल होगा चाहे जो भी हो, वो खाने का प्रयास कर रही है, और एक गिलहरी है, ये पेड़ का एक छिद्र से निकलकर, और मुझे लगता है कि किसी ने शायद बादाम उदाम रख दिया होगा। मैं कितनी बार कुछ मूंगफली अपने बालकोनी में रखता हूँ, तो वो गिलहरी, 3-4 गिलहरी है, वो मतलब परिवार ही होगा, हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे होंगे, तो दोनों आके ऐसे खड़े हो जाएंगे, और जैसे वो रख देता हूँ ना, तो खड़े होकर बैठ जाएंगे और बैठकर वो पटपट पटपट खाते हैं। बड़ा सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। देखिए आहार ये हुआ, अब और इधर देखिए, छोटा सा बच्चा कितना कैसे सोया हुआ है। अगर आप बचपन में देखते होंगे छोटे छोटे बच्चों को, और ये उसके नीचे में वो भी बंदर का एक बच्चा है, वो भी सो रहा है। यहाँ देखिए एक सांप और एक मेरे ख्याल से बंदर है, वो डंडा लिए खड़ा है, तो सांप जो है फुफकार रहा है और ये डंडा से उसको दिखा रहा है, तो ये रक्षा करने के एक दूसरे, वो भी अपना रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, ये भी अपना रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। नीचे में आप देख रहे हैं कि बॉक्सिंग का जो है वो चल रहा है, एक बॉक्सिंग कर रहा है, दूसरा बचाने की कोशिश कर रहा है, कि दूसरा वाला चलाएगा तो पहला वाला उसको बचाने की कोशिश करेगा, और अंततः हम सबसे दाहिने में कहा जाता है कि काम कर दो मैथ। तो ये जानवरों में भी होती है, और ये मानव में भी होती है, मनुष्यों में भी होती है। फिर जब ये चार चीज, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, ये चारों चीज जब एक साथ, जब जानवरों में भी है और पशु हमारे मनुष्यों में भी है, फिर ये तो चार समानताएं हैं, सब गतिविधियां तो हम सब लोग को एक ही जैसा रखती है। फिर हम सब लोग अभी प्रभु मुझसे कुछ प्रश्न भी पूछ रहे थे, और हम इसके ऊपर में अपनी विशेषता कि मनुष्य जो है विशेष है, सबसे उच्चतम श्रेणी का है, फिर कैसा होगा जब हम लोग दिखाई रहे यही चीज। माता जी नेक्स्ट स्लाइड,
यहाँ एक शेर, तो क्या अंतर है? इधर पे एक एक स्मार्ट कोई मनुष्य है तो उनका चित्र लगा दिया गया है, फर्क तो कुछ नहीं है। हम वो जो जानवर है वो वही चार चीज करता है, खाता है, सो जाता है। जब कोई दूसरा शेर आने का प्रयास करता है तो वो क्या करता है कि उसको भगा देता है या मार देता है या कुछ करता है, वो अपने क्षेत्र की रक्षा करता है और अंततः आप ये जो है सब और उसके साथ शेरनी के साथ में वो रहकर बच्चा पैदा करता है। मनुष्य की भी वही है, तो हम लोगों में अंतर फिर क्या है? ये सोचने और विचार नहीं है, क्योंकि कहा गया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, बहुना नाम जन्मवंते, बहुना नाम जन्मवंते ज्ञान वातन प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये श्लोक जो भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि आत्मा का जो प्रोग्रेशन है, आत्मा एक एक शरीर धारण करते 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 84 लाख योनि को पार करने के बाद जब उसका, तो वो अंततः मनुष्य श्रेणी में प्रवेश करता है। और जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखा दिया गया, ये चित्र मेरे कहने पे नहीं दिखाया गया है, प्लीज आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा कि प्रभु ने बताया था कि शेर बंदर और गाय तो उनसे, तो ऐसा नहीं, हम लोगों ने जस्ट चित्रार्थ कि मतलब ये जो है इनका प्रोग्रेशन इस शेर से हुआ होगा, ऐसा मत सोचिए, ये जो व्यक्तित्व है उनका उनसे प्रोग्रेशन हुआ, ऐसा ये जस्ट एक चित्र है। हम सब लोग को समझने का, क्योंकि मनुष्य प्राय समझ के कारण ही हमारा उन जानवरों से और मनुष्य में फर्क महसूस होता है। माता जी नेक्स्ट स्लाइड। हमारी विवेक बुद्धि, क्या यह विवेक बुद्धि है जो मैंने अभी आपसे कहा कि हमारी बुद्धि से फर्क होता है, जो हमने कहा कि जानवर और मनुष्य में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन वास्तव में इंसान से और बहुत बार आप देखिए इंसान को उतनी सुनने की शक्ति नहीं जितना कुत्ता जो है वो सुन सकता है। कुत्ता का मतलब को जो है 20 डेसिबल के नीचे सुन सकता है, उसके लिए एक सिटी होती है, वो किसी और को सुनाई नहीं देगी, अगर उसका जो ओनर बजाएगा तुरंत कुत्ता देखिएगा भाग के आ जाएगा। और एक जानवर हमारा सुनने की जो क्षमता है जहां तक मुझे लगता है 20 डेसिबल से लेकर कितना डेसिबल तक होता है, I think some 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर भी सुनने वाले जानवर है तो वो तो हमसे ज्यादा बेटर है, हमारा रेंज तो बहुत लिमिटेड है। सूंघने की क्षमता माता जी शायद उन्होंने बताया था, कुत्ते की सूंघने की क्षमता बहुत अतुलनीय है, मतलब वो सूंघ कर, आप देखते होंगे पुलिस में डॉग स्क्वाड भी होते हैं, मिलिट्री में भी डॉग स्क्वाड होते हैं। और भोजन तो हाथी की विशेषता है, वो मनुष्य उतना, मतलब ठीक है सुमो रेसलर का कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम सब लोग नॉर्मल एक इंसान का कंपैरिजन करेंगे, वो कितना खा सकता है और वो हाथी के बराबर नहीं कर सकता है। और मच्छर जो प्रजनन, मतलब मच्छर जितना ज्यादा मतलब रिप्रोड्यूस कर सकता है उतना कोई कंपेयर उससे किया नहीं जा सकता। और यहां तक कि कहते हैं कि कबूतर जो होता है वो पूरे दिन में जितना बार वो संबंध बनाता है उस वो भी आश्चर्यचकित है, कोई सोच नहीं सकता, तो फिर वो तो हमसे वास्तव में बेहतर है। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। लेकिन मानव सभ्यता भौतिक उन्नति के शिखर पर पहुंच गई है, क्या नहीं है? आप सब लोग यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग, प्लेन, मोबाइल, तो खैर आजकल पता नहीं वो अलग अलग तरह का मोबाइल सब भी है, घर है, कंप्यूटर है, आजकल तो हमारे देश में भी बुलेट ट्रेन चलने वाली है हमारे प्रधानमंत्री की विशेष कृपा से। तो अगर हम ये सब देख रहे हैं क्या हम खुश हैं? क्या सब कुछ तो हमें प्राप्त देख रहे हैं हम आसपास, लेकिन आप इन सब चीज को देखने के बावजूद भी एक प्रश्न आता है, क्या हम खुश हैं? नेक्स्ट स्लाइड माता जी।
क्या हम एक अर्थपूर्ण जीवन जी रहे हैं? हमारी असंतुष्टता चिंता से भरे हुए एक भी दिन ऐसा नहीं होता। अभी थोड़े देर पहले ही अभी मैं आप लोग को एकदम जीवंत आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत अच्छे से आज सुबह सुबह जाकर क्योंकि कल मैं यहाँ से प्रस्थान करूंगा, अपने बच्चे को एडमिशन करा दिया, बहुत अच्छा से ये वो करके आज सुबह में गया, उसके रूम का मतलब जो भी था सेट करना, उसके हॉस्टल का रूम वो सब करवा कर गद्दा चद्दर सब बिछा उछा कर और वापिस खुशी खुशी उनको विदा करके और बोला कि मैं जाऊं, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप जाइए। तीन दिन पहले वो मुझे रोक रहा था, बोला कि आप अभी एक दो दिन रुक जाइए। ठीक है, रुक गया। आज पूछा तो बोले कि हाँ आप जाइए। बोले ठीक है, हम बोले बेटा मैं कल निकल रहा हूँ, मेरा फ्लाइट है कल, मैं निकल जाऊं। लेकिन शाम होते होते फोन आता है कि मैं जो सब्जेक्ट में पढ़ाई करने जा रहा हूं उसमें कुछ चीजें हैं जो मुझे डिफिकल्टी लग रही है और मैं सोच रहा हूं कि मैं उसको बदल दूं। सुबह तक सब कुछ ठीक था, अब शाम को अब इसी चिंता में हम लोग पड़े हुए हैं कि उसको हम लोग कैसे समझाएं, कैसे बताएं कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है, या फिर उसके मन में उसको कैसे समझ में आए कि उसके लिए वो बेहतर है। चिंता आ गई दिन अच्छा मैं, और यहाँ तक कि मैं दिल्ली में अपना विशेष अपना जो सबसे पहली मंदिर थी वहां जाकर मैं कीर्तन में पार्टिसिपेट किया, भगवान का दर्शन किया, वहां पर कम से कम 10-12 माला जो है मैंने जपा भी किया, रहा थोड़ा प्रसाद भी खाया और वापिस एकदम खुशी खुशी वापिस आया। लेकिन आते आते शाम होते होते वो चिंता हमारे जीवन में प्रवेश कर गई। हम तनाव में है, चिंता होता है तो क्या होता है, तनाव होता है, और तनाव होता है तो बहुत बार डिप्रेशन होता है और हम फिर केवल दुखी रहते हैं। तो आप लोग भी देखते होंगे आजकल बड़ी चिंता, इसलिए कि ये सब्जेक्ट मैं इसलिए आप लोग के सामने में लाया कि बहुत बार मनुष्य अपने परिस्थितियों से भागकर, आप मैंने देखा इधर में क्योंकि मैं शैक्षणिक संस्थानों से साथ जुड़ा रहा और हमारी तकनीकी परीक्षा मतलब मैं तकनीकी समझिए मैं NIT से पास किया हुआ स्टूडेंट हूँ, तो आजकल जब मैं सुनता हूँ कि किसी कॉलेज या हमारे कॉलेज में स्टूडेंट सुसाइड कर ले रहे, इतनी ज्यादा तनाव डिप्रेशन और दुख उनके जीवन में आता है या किस कारण से आता है कि वो अपने आप अपने शरीर को त्याग देते। फिर हम किस चीज की हम लोग इतनी ज्यादा ड्रम बीटिंग करते हैं, ढोल बजाते हैं कि हम इतनी तरक्की कर गए। जब मानव जाति तरक्की करने के लिए वो सोचता है कि तरक्की करेंगे तो हमें खुशी मिले, लेकिन उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। हो क्या रहा है अंत में, सब लोग अपना माथा पकड़ के बैठा हुआ है, सब कुछ अच्छा है। आज वो बोलेगा हम तुरंत, बात सही है, बहुत ही चीजों का आविष्कार हुआ जो हमारे जीवन को बहुत ही सुगम बना दिया, लेकिन अंततः उसका जो निष्कर्ष है उस परिस्थिति को कि हमें आनंद प्राप्त हुआ वो तो नहीं मिला है। हम लोग और डेवलप करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड माता जी, वास्तविक बुद्धिमता हम सब लोग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये स्लाइड पे ध्यान दीजिएगा। आध्यात्मिक बुद्धिमता, सार्थक जीवन का अर्थ है ये जानना कि मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं, ईश्वर कौन है और मेरा उनके साथ क्या संबंध है। ये तीनों चीज लिख लीजिए कागज, आगे भी हम सब लोग चर्चा करेंगे। ये चीजें हैं, अब मैं जो है कोर चीज पे आ रहा हूं, यहां से हमारा जो है आगे जो है और भी जो है सत्र में एक दो चीज और पढ़ाएंगे और होती रहेगी, और उसके बाद हम लोग अंत में छठे दिन पे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप लोग के साथ में जुड़ेंगे। और सत्र में हम लोग थोड़ा ज्यादा भी रखेंगे तो कोई आप सब लोग जुड़े रहिएगा। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सब लोग, मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है, मेरा उनके साथ क्या संबंध, मैं हम सब लोग, मैं भली भांति मानता हूं कि यहाँ पे जितने भी हमारे श्रोतागण हैं जरूर ये इतना उनको जरूर मान्यता देते हैं कि हम हैं और हमारे साथ साथ में ईश्वर भी मौजूद, क्योंकि ये ब्रह्मांड या अनन्य रूप से चीजें जो हम देख रहे हैं वो किसी न किसी का तो क्रिएशन है ना। एक जब हम एक गुलाब का फूल देखते हैं तो उसको एक माली लगा देता है,
माली लगा देता है, सृजन करता है, तो उसके बाद एक पेड़ से गुलाब का फूल या जो भी हो वो निकल के प्रकट होता है, जिस तरह का भी फूल होता है उसको वो देख रेख करता है। तो इसका मतलब है कि इस जगत को भी देखने वाला भी तो कोई होगा, कोई तो नियंता होगा। और जो फूल आज के समय में, मैं जैसे आपको बोला कि आज लोगों ने जेनेटिकली फूल को बनाना चालू कर दिया लेकिन सुगंध नहीं दे पाया, क्या कारण, क्यों नहीं सुगंध दे पाया? अभी भी बहुत सारे हम लोग सुबह में जब पूजा करने जाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि भगवान का, जब हम सब लोग अर्ली मॉर्निंग में जब मंगल आरती करते हैं तो भगवान का जो हम लोग का जो प्लेट होता है उसमें वो फूल होते हैं जिसमें सुगंध होती है। तो ये क्योंकि जो जो कृति जिसमें कोई सुगंध ना हो उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है डेकोरेशन के काम में आ जाएगा लेकिन उसका और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते सुगंध के रूप। हम सब लोग का देखिए अर्थ क्या है, अर्थ तो है कि भाई हम सब लोग तो प्रयास नहीं कर रहे हैं ना ये तीनों प्रश्न को जानने का। मैं एक एग्जाम्पल खाली दिया तो उसको उसमें जो फूल के अंदर में जो सुगंध दिया है वो कौन है? नेक्स्ट स्लाइड माता जी। जी प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न क्योंकि ये इसी से प्रभु जी मेरे को कंप्लीट कर लेने दीजिए। अच्छा हाँ ठीक स्लाइड्स बहुत सारे हैं अभी बस जी, क्योंकि थोड़ा आज हम लोग क्योंकि चौथे सत्र में है ना इसलिए थोड़ा आगे का चीज को ठीक है मैं बाद में मैं आपसे लास्ट में मैं पूछ लूंगा। प्रमुख अंतर जो जानवर और मनुष्य के बीच में है, केवल खाने सोने संभोग और बचाव करने के बारे में सोच सकते हैं, जानवर इससे आगे नहीं सोच सकते हैं, मनुष्य जीवन मृत्यु इसके बारे में जिज्ञासा कर सकता है, वो जानने का प्रयास कर सकता है कि अंततः मैं जो हूं कौन, मेरा क्या है ईश्वर, मैं आया कहां से हूं और मेरा क्या संबंध है इस धरती लोक से, या मैं इस धरती पे आया क्यों, ये वो जरूर उसके अंदर में भगवान उतनी बौद्धिक क्षमता देते हैं। और इस वजह से वो हमारे, और ऐसे तो हम सब लोग पशु जीवन जीते ही लेकिन हमारे और उसमें अंतर इतना है। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। मानव जीवन की विशेषता, मनुष्य अपने तर्क संगति का विकास करके ये पूछने में सक्षम है कि मैं पीड़ित क्यों हूं, अगर मैं पीड़ित हूं तो इस पीड़ा को मैं कैसे समाप्त कर सकता हूं, और उसके बाद वो सोचेगा कि ओके ठीक है। जैसे माता जी ने आज से कल पूछा था, माता जी ने एक माता जी थी हमारी, मैं नाम भूल रहा हूँ, जस्ट उन्होंने पूछा था कि हमारे हमारी माँ का जो देहांत है वो एकादशी के दिन हुआ था, वो जानने की उनके अंदर में जिज्ञासा है कि जीवन के बाद मैं जाऊं मतलब वो कहाँ गए। और बहुत लोगों को, बहुत लोग आजकल क्रीम व्रीम लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि वो बूढ़ा नहीं हो सकते। भाई हर 7 साल के बाद आपका शरीर, पहले का बदलाव जो है वो अलग होगा, बाद में आप जो है अलग होगा, और अंत में ऐसा होगा कि आपका शरीर जीर्ण शीर्ण होगा, ये 100% है। तो लोग बोलेगा कि आप तो ऐसा बोल रहे हैं लेकिन लोग जो है अरे आप अपने शरीर का ध्यान रखना, ये हमारा ड्यूटी है, ये प्राइमरी ड्यूटी है, लेकिन ये मानना कि आप शरीर को बूढ़ा होने से रोक लीजिएगा ये पॉसिबल नहीं। आप शरीर का ध्यान रखिए, आप जो भी है जिस तरीके से आप रखते हो कि आप स्वस्थ रहें, लेकिन ये कहना कि मैं बूढ़ा नहीं हूंगा, मेरा दांत नहीं टूटेगा या मेरा बाल नहीं झड़ेगा या फिर मेरे बाल जो है सफेद नहीं होंगे, ये आप रंग लीजिएगा तो उससे थोड़े जो होने वाला है, बाल तो सफेद हो ही चुके हैं। बहुत लोगों को ये मानसिक रोग होता है कि मैं डेंटिंग पेंटिंग कर लूंगा तो मैं जवान हो जाऊंगा, उससे नहीं होता है, वो सब कृत्रिम चीजें हैं। मुझे व्यक्ति ये भी सोचता है कि मुझे रोग होता क्यों। अच्छा बहुत बार आप सब लोग इसे हमारे बीच में हो सकता है कि माता जी और प्रभु जी तो कोई डॉक्टर होंगे, वो बोल सकते हैं कि भाई ये रोग का क्या है, मूल कारण क्या है। बहुत सारी ऐसी जो है बीमारियां जो है वो सैद्धांतिक तौर पे लोग मतलब जो बताया जाता है कि डीएनए में आता है, माता जी को कैंसर था तो बेटी को भी कैंसर हुआ, ऐसा कुछ सिद्धांत बताया गया है।
तो ये सोचने की जो पद्धति होती है ये रोग आया और मुझे स्थायी सुख मतलब परमानेंट सुख कैसे मिल सकता है। अथ तो ब्रह्म जिज्ञास, ये हमारा एक्चुअली में ये जो लाइन है तीन शब्दों का जो मैं बोला हूं अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, यही हमको जानवरों से अलग करता है क्योंकि हम जिज्ञासु। जिस तरीके से पेरी प्रभु अभी प्रश्न पूछने के लिए क्योंकि उनके मन में कुछ सुनने के बाद जिज्ञासा हुई, वो उनके प्रवृत्ति है क्योंकि मनुष्य को इसी का डिफरेंस जानवरों से करता है। देखिए बचपन में अगर कहा जाए तो हम सब लोग भी देखते हैं बचपन में हमारे सोचने की तरीका अलग होती है। हम सब लोग कुछ भी मिलेगा तो हम लोग उठा के खाने के प्रयास करेंगे। थोड़ा जब बड़े होते हैं तो मान लिया जाए एक प्लेट में आया है तो हमारे साथ में दो तीन भाई बहन है तो हम सब लोग को बांटने की कोशिश करेंगे। बड़े होंगे तो हम लोग सोचेंगे कि भाई चलो बाल बच्चे को पहले मिल जाए, हम त्याग करने की कोशिश करेंगे। और बड़े हो जाएंगे तो बोलेंगे कि भाई मेरी अब क्षमता नहीं है खाने की, आप लोग ही खा लो। तो हमारा समय के साथ में बदलाव होता है। हम सब लोग इस चीज को समझने का प्रयास तब तक नहीं करते जब तक हमारे अंदर में अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होता है। ये सब हमारे जीवन में खुद ही समझ देख के समझ सकते हैं लेकिन हम समझने का प्रयास नहीं करते। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। तो बुद्धिमता का संकेत क्या है? जो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोगों को वास्तविक समस्या के रूप में देख सकता है वो ज्ञान में स्थित है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो जन्म मृत्यु जरा जरा मतलब वृद्धावस्था जरा और व्याधि, व्याधि मतलब बीमारी को वास्तविक समस्या के रूप में देख सकता है वो ज्ञानी है, वो ज्ञान के रूप में स्थित है। ठीक है, ज्ञानी शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बुद्धिमता का संकेत बताया जा रहा है और मनुष्य को ये चीज का दुर्लभ चीज ये प्राप्त। माता जी नेक्स्ट स्लाइड। और तब हम जाकर समझ पाते हैं कि हम इस विगत जीवन में तीन प्रकार के दुखों से घिरे पड़े हुए। शायद आप सब लोग पहले शायद सुने, कितने लोग सुने हैं आध्यात्मिक अधिदैविक अति भौतिक? हाँ जी सुना है प्रभु जी। अच्छा चलिए माता जी ने सुना है आध्यात्मिक जो है। आध्यात्मिक सुना है। हाँ अच्छा आध्यात्मिक, ठीक है। आध्यात्मिक जो है वो स्वयं के कारण होता है और अति दैविक जो है वो प्रकृति आपदाओं के कारण होती है और अधिभौतिक जो है अन्य जीवों के कारण होता है। ये क्लेश है इस भूलोक पर। ये आध्यात्मिक स्वयं के कारण, कितनी बार गलतियां हम करते हैं हम खुद ही सोच ले, हमारे गलती के कारण हमें कष्ट भोगना पड़ता है। अब हम मान लिया जाए कि हम कुछ चक्कू से कुछ काम कर रहे हैं और हमारा ध्यान भंग हुआ, हम उंगली को काट देते। ये माताओं को मालूम होगा, कभी कभी बोलते बोलते माताओं से मालूम चला कि सब्जी काटते काटते थोड़ा उंगली भी कट गया, फिर बाद में उसका ड्रेसिंग करते हैं। मैं एक छोटा सा ये हास्यप्रद आपको एक चीज बता रहा हूं। बहुत चीजें हमारा खुद का स्वयं के कारण से होता है और अति दैविक प्राकृतिक आपदा। कौन ऐसा साइंटिफिक मेथड होगा जो भूस्खलन को या भूकंप को या फिर सुनामी को या फिर साइक्लोन को रोक सकता है? मुझे याद है मैं ज्वाइनिंग करने के लिए 1998 में जून का महीना था और उसके पहले मैं रिलायंस में गया था। उस समय में हमने देखा था कि बड़े बड़े दुनिया का सबसे बड़ा तेल को स्टोर करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टैंक बनाया गया था और एक नहीं दस दस सब टैंक का जो प्रोटेक्शन गर्डर होता है वो डाला नहीं गया था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, सब टैंक अंदर की ओर फंस गए। इतनी क्षमता और टैंक, वो टैंक का अगर रेडियस बताऊं तो आप सब लोगों को सोचेंगे, डायमीटर बताता हूं रेडियस नहीं, 100 मीटर एक फुटबॉल ग्राउंड या क्रिकेट ग्राउंड से बड़ा। उसमें हम सब लोग अगर एक तरफ खड़े हों तो दूसरी तरफ के आदमी को पुकार के बुलाने में मुश्किल होता। और उतने बड़े बड़े टैंक को साइक्लोन ने थरासाई कर दिया।
आपने आंखों देखी चीजें, और 2000 में उसी जगह पर भूकंप आया जनवरी 26 जनवरी हाँ जो हुआ कांडला में और आसपास में, और मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर, उस समय में मात्र कुछ महीनों के थे, अपने गोद में लेकर रात कर, एक्चुअली मैं भी शिफ्ट करके मैं लेट से आया था, तो मैं आगे रूम में सो गया था। नेक्स्ट डे हमारा ये गणतंत्र दिवस था, वो तो हम सब लोग को कुछ कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना था, तो मैं रुका हुआ था, ए शिफ्ट में ना जाकर मैं रुका हुआ था, तो मैं आगे के रूम में ही बच्चे को लेके गोद में बैठ मतलब लेटा हुआ था, जिससे कि वो सो सके। और इतने में इतनी जोर की धड़कने हुई, इतनी जोर की बिल्डिंग है जो है वो कांपने लगी। पत्नी जो है वो बाथरूम में कपड़ा धो रही थी, वो बाथरूम से दरवाजा तक आते आते 3 बार गिरी, और उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना ही बोला, भूकंप। मैंने किसी तरीके से बच्चे को ऐसा दाबा और भागने का प्रयास किया, मैं क्योंकि मेरे हाथ में बच्चा है, मैं गिर नहीं सकता हूँ, मेरे को सपोर्ट लेना ही है, नहीं तो उसको चोट लगेगी। किसी तरीके से हम लोग, मेरे ख्याल से 10-15 सेकंड तो जरूर लगा होगा, 10-15 सेकंड बहुत होती है, इतने में तो जीवन समाप्त हो जाती है। हम सब लोग जब बाहर निकले तो बिल्डिंग को पूरा ऐसा हिलते हुए देखा। यह है अति दैविक प्राकृतिक आपदाओं, किसी की ताकत नहीं कि उसको रोक सकता है। और अति भौतिक जो अन्य जीवों के कारण होता है, हमारे आसपास में रहने वाले कोई ना कोई ऐसे जीव होते हैं जिनके कारण मनुष्य का ही जो है वो कष्ट देने के लिए तुल जाता है। जानवरों की बात तो छोड़ दीजिए। तो हमारे जो दुख का मेन कारण यही थी। आप अपना अब जो है आप लोग अपने श्रृंखला में या आपका जब कभी दुख हो तो आप सब लोग इस 3 शब्दों को याद कर लीजिएगा, उसमें आप कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, और कोई कारण नहीं। हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट स्लाइड बाबू। हम अनियंत्रित मन और अध्यात्मिक जो क्लेश होता है क्यों होता है, क्योंकि हम अपने अनियंत्रित मन इंद्रियों भावना आदि के कारण स्वयं ही अपने दुख को पैदा करते हैं। हमारे जीवन में और मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, तो क्या होता है, अंततः हमारे दुखों का कारण बनता है। मैं फिर से आपको पर्सनल एग्जाम्पल ही बता देता हूँ, यहीं पे रह रहा हूँ। मैंने अभी आप लोग को बताया कि हमारा एक घर है दूर पे, वहां पे अभी रेंट में मतलब हम तो रह रहे हैं, हम खुद रेंट में रह रहे हैं काकीनाड़ा में, लेकिन मेरा घर यहाँ पे रेंट पे है। और उस के बाद हमारे घर में कुछ लोगों की विचारधारा, मेरी नहीं, मैं अपना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ की, मेरी मुझसे कहा गया कि थोड़ा बड़ा घर ले लेते तो अच्छा रहता। अरे हम तो 3 प्राणी हैं, अब बड़ा घर की जरूरत क्या है, वो तो 2 रूम का फ्लैट है। लेकिन जिज्ञासा लोगों के अंदर में होती है ना, और लोग आपको जैसा भी जो कलेश की बात करते, आसपास के लोग आपको कष्ट देने के लिए होते। तो अंततः आज 12 साल हो गए हैं, एक घर बुक कराया था और आज तक वो मुझे मिला नहीं है। तो ये है लालच। भगवान ने कहा है कि मैं सबके लिए सब कुछ उपलब्ध कराया, लेकिन किसी के लालच के लिए। तो हमारी अपनी इंद्रियों के कारण से हम खुद दुख को पैदा करते। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। और ये सभी के साथ में है। मैं अपना खाली एग्जाम्पल, तो मैं किसी को दो, किसी के प्रति मेरा कोई ऐसा ये नहीं है, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि अपने जीवन में हम सब लोग, अरे भाई हम आज के समय में लोग सब कुछ लोन में लेके ही जी रहे हैं, पूरा जीवन ही लोन पे है। ऐसा तो था नहीं, लोग पहले भी जी रहे थे और हो सकता है कि हमसे ज्यादा बेहतर जी रहे। सोचने का प्रयास करिएगा। अधिभौतिक अन्य जीवों के कारण, अब देख लीजिए यहाँ पे बीच में आया कोरोना। ये कोरोना, अरे भाई 2 साल हम लोग का जीवन, कितने आप सब लोग जो यहाँ पे एकत्रित हैं, कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता है जो बोलेगा कि हाँ कोरोना से वो पीड़ित नहीं हुआ। 100% मुझे भी कोरोना हुई, लेकिन गनीमत था कि अंतिम चरण
वाली कोरोना में हम तीन, हम मुझे मेरे वाइफ को और बच्चे तीनों आदमी एक साथ, एक साथ, मतलब कि ऐसी स्थिति हो गई कि घर में खाना बनाने के लिए खाना देने वाला कोई नहीं, लेकिन बहुत बड़ी कृपा थी कि मंदिर से खाना बन के हम सब लोग को पहुंचाया कि हम लोग जिंदा है, आप लोग के सामने में है। तो कोरोना ने आके 2 साल हम सब लोग का जीवन को तहस नहस कर दिया। सब एक छोटा सा कीटाणु जो है वो सबको मजबूर कर दिया घर में रहने के लिए। बड़े से बड़े पहलवान और बड़े से बड़े ज्ञानी और बड़े से बड़े साइंटिस्ट स्वयं पॉल, ठीक है, लोगों ने कहा बाद में हुआ ये, उसका जो है इन्वेंशन किया गया, लोगों को इंजेक्शंस दिया गया, लेकिन जो ये समय है एक छोटा सा वो प्राणी आकर हम लोग को झकझोर कर रख दिया। इतने के परिवार जो है तहस नहस हो गए। ये एक व्यक्ति है, इसको कुत्ते काट लिया, ये गया था कुत्ता को मारने के लिए, कुत्ता काट लिया। और एक मच्छर, कहते हैं कि वो कौन सा डायलॉग भी है, कोई मूवी का डायलॉग है, तो मच्छर काट लिया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, या फिर वो और भी जो भी एक तरह का बीमारी होता हो, फिलेरिया हो, या फिर आजकल पता नहीं बीमारी तो कितने सारे, तो ये एक मच्छर, एक मच्छर, छोटा सा मच्छर। और फिर अंत में देखिए पति पत्नी आपस में क्लेश कर रहे, और ये घर घर की कहानी। ये मैं आज, मैं अब बोल रहा हूं तो आप लोग के सामने, मैं ऐसा थोड़े जो है कि हम सब लोग इससे, मैं इससे पीड़ित नहीं हूं, सब लोग। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। और ये अति दैविक प्राकृतिक आपदाओं का कारण मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, सब सुनामी और भूखमरी, कहीं कहीं पे जल ही नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा वहां पे भी है, और कहीं कहीं पे वोल्केनोस, और यहाँ तो मतलब ज्वालामुखी फट कर बाहर निकल रहा, ज्वालामुखी फट के बाहर निकलता तो कोई कोई कुछ और नहीं करना है, वो जगह छोड़ देना है, क्योंकि वो निकलेगा वो पूरा जो आसपास का पूरा जो क्षेत्र है उसको समाप्त कर देगा, लोगों को वहां से जाना ही, वहां से वो नहीं बोल सकते कि ये मेरा 2 एकड़ का जमीन था, या कोई बोलेगा मेरा 3 एकड़ का जमीन था, गया सब गया, जाइए वहां से प्रस्थान करिए। और सामने में आप देख रहे हैं भूकंप आया था, पूरा का पूरा घर गिर गया, हो गई वन, माई हाउस इज 2 करोड़ अपार्टमेंट, माई हाउस इज ए स्टूडियो अपार्टमेंट, कर लीजिए, आया भूकंप चले गए, तो कोई चीज परमानेंट है यहाँ पर? मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, कोई चीज परमानेंट है? कुछ भी परमानेंट है, लेकिन हम सब लोग बहुत गोल्डन अक्षरों में लिखते हैं, राजेश रघुनाथपुरी दास का ये है, मालूम नहीं है कल है नहीं है। ये अति दैविक, अति तीन तरह के कलेशों का दिमाग में हमेशा बैठा के रखेंगे हम लोग, तो हमारे जीवन में सकारात्मक जरूर आएगी। हम सब लोग के अंदर में जरूर एक तरह का ये जो विषय है, क्योंकि विषय से हम सोच सकते हैं, कहीं ना कहीं तो रुकावट होनी चाहिए। हरे कृष्णा, माता जी ध्यान दीजिए इधर में, म्यूट कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट माता जी स्लाइड, आई थिंक वी हैव टू कंप्लीट फॉर द टाइम, 9:12 हो चुका है। ओके, तो समाधान 2 प्रकार के हैं, एक स्थायी है, मूल कारण को खोज कर हल करे, और दूसरा है अस्थायी है, जैसे कि कहा जाता है कि अगर पेशेंट बीमार हो गया, फीवर हो गया, तो उसको डोलो 650 दे दिए, वो ठीक है, वो ठीक हो गया। ये जानने का प्रयास नहीं किया गया कि मतलब कि उसको एक्चुअली में मूलतः ये फीवर हुआ, हो सकता है कि कोई कारण हो, अगर हम लोग उसके ऊपर में कुछ टेस्ट करेंगे तो मालूम चलेगा। और स्थानीय चीजों को स्थाई, हम मूल कारण मतलब कि पूरा बराबर उसका चेकअप कराना और ये सब करके हम लोग जो है वो जानने का प्रयास करते हैं। तो समाधान आप अस्थाई चाहते हैं या स्थाई चाहते हैं? सब लोग स्थाई चाहता है, कोई भी अस्थाई नहीं चाहता है, लेकिन कभी कभी टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस लोग अस्थाई चीजों पे भी मतलब सतही ऊपर का जो समाधान है वो ढूंढ निकाल सब उसी पे अपना ध्यान दे। लेकिन हम सब लोग को ध्यान देना चाहिए कि हमें मूल कारण को खोजना,
नेक्स्ट स्लाइड माता जी। तो जीवन की समस्या, दो समस्याओं के दो समाधान के बारे में, देखिए भौतिक जीवन अगर हम जी रहे हैं, बुढ़ापा, तो हम सब लोग बहुत सारा तकनीक प्रयोग करते हैं, सुनामी हमारे पास, सुनामी तो सेंसर है, रोग हमारे पास पता लगाने इलाज के लिए नवीनतम तकनीकें हैं, मैं उदास हूँ, अवसाद रोधी, चिंता रोधी आजकल गोलियां मिलती हैं मार्केट में मिलती है, डिप्रेशन एलर्जेंट और पता नहीं क्या, मौत, हम कोई उपाय सोच सकते हैं, सोच रहा हूं व्यक्तिगत तौर पे इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो आप बताइए कोई भी ऐसी चीजें हैं जो आप रोक सकते हैं, बुढ़ापा हो, सुनामी आ रहा हो, रोग हो, मैं उदास हूं और मौत, किसी चीज को रोक नहीं सकते। अगर कोई ऐसा कहता है तो मैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरे पास फिर उसको उनको समझाने के लिए और मेरे पास कोई शब्द नहीं है, ठीक है प्रभु। तो ऐसा या माता जी, ये चीज कोई रुकने वाला नहीं, ये अपने आप में सत्य है, कितना भी आप ना वो कहते ना कहते आज भाई अमृत थोड़े मिलने वाला है, अमृत अमृत कलश यहाँ अवेलेबल नहीं है, ये भौतिक जीवन का जो हम लोग जीवन जी रहे हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं है कि अमृत का, अमृत का तो हम मौत को भी मात दे देंगे, आजकल पता नहीं अलग अलग आते रहते हैं, मौत को मात दे दिया, अरे कभी मौत आनी है वो आएगी, वो सत्य है। नेक्स्ट स्लाइड माता जी, गो बैक टू साइड, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है माता जी, द कोरोना वैक्सीन विल एलिमिनेट कोरोना वायरस, नाउ कोरोना एक्चुअली वायरस है, जो वैक्सीन बना उसमें कोरोना वायरस वायरस डाल के ही उसको मारा गया, ये भी एक सोचने के लिए हम सब लोग के लिए प्रश्न है कि किस अवस्था में हम लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, हमारी व्यक्तित्व हर व्यक्तित्व की जीवन का जो है मूलतः ये प्रश्न होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड माता जी, आई थिंक देयर मे बी अ कपल ऑफ स्लाइड्स, आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक पहला समाधान तो भौतिक के बारे में बोला, हम सब लोग कर सोच सकते हैं ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, अरे कुछ नहीं होने वाला है, भौतिक समाधान कभी भी हमारे चीजों को सॉल्व नहीं कर सकती है, तब आता है आध्यात्मिक, मुझे कष्ट भुगतने के लिए क्यों बनाया गया, ये प्रश्न सब है, कोई जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग के चक्र से कैसे क्यों गुजरता है ये हमें जानना है, क्या होती है प्राकृतिक आपदाएं, मुझे स्थायी सुख कैसे मिल सकता है, मेरी समस्या का मूल कारण क्या है, सिम्टम्स देयर आर प्रॉब्लम्स एंड कॉसेस, ये जो एक अच्छा सा एक पेड़ में दिखा, तो प्रॉब्लम है उसका सिम्टम्स है, एंड देयर इज अ कॉज, मेरी गलती मैं पहचान कर, देखिए इन सब चीजों के बारे में सोचने के बाद मूल कारण जो है हमको जानना आध्यात्मिक तौर पर, ये हम सब लोगों के अंदर में ये समाधान जो है वो पूर्णता हमारे हर चीजों को बताने का वो सहायक होता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे जो जिज्ञासा, अतः तो वर्म जिज्ञास, तो हमारे जिज्ञासा को समाप्त कर। नेक्स्ट स्लाइड माता जी, तो यहाँ पर आकर मैं आप सब लोग का धन्यवाद देते हुए और बहुत सारी प्रश्नों का हम सब लोग यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं कि जो हमारे जीवन का विशेषाधिकार, उसका समाधान अंत में हम सब लोगों ने सत्र में देखा, अंत में समाधान जो है वो आध्यात्मिक पे ही आके रुकी है, हम सब लोगों ने कहा जीवन में तीन तरह के कलेश हमारे जीवन को, उसमें तीन तरह के क्या क्या कलेश हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। आप लोग याद करके इसको रखिए, इसके ऊपर चिंतन मनन करिए और थोड़ा थोड़ा मुझे बोलने के लिए कि बहुत सारी ऐसे शब्दों का कभी मैं प्रयोग कर रहा हूँ जिसको मैं आप सब लोग को इम्फेसाइज करने के लिए, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है ना किसी के हृदय को दुखित करने के लिए और ना ही किसी को इस तरह का चीजों को विशेष उसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए, बस सिर्फ इतना ही मेरा मकसद है कि आप सब लोग को इन शब्दों के द्वारा जो चीज हम सब लोग आपसे बताना चाहते हैं वो आप लोग को स्पष्ट हो।
तो अगर सब से आप सब लोग को कभी मन में अगर आघात हो तो मुझे क्षमा करिएगा, मेरा कोई ऐसा हृदय से कभी ऐसी अभिलाषा भी नहीं है, ना इच्छा है, अभिलाषा तो हो ही नहीं सकती है, ना इच्छा है और ना ही इस तरह का हमारे अंदर में कोई त्रुटिपूर्वक मकसद हो। तो आप सब लोग को बस मेरा हृदय के अंदर से शब्दों का प्रयोग कर आप सब लोग को समझाने का और खुद को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा माताजी प्रभु, और मैं आप सब लोग से आज क्षमा चाहूंगा, ये आज मैं एक या दो क्वेश्चन लूंगा और आप सब लोग से मैंने प्रार्थना किया था कि क्वेश्चन आप लोग जरूर भेजिए क्योंकि मुझे एक जगह जाना है, तो उसी के लिए मैं आप सब लोग से एक दो क्वेश्चन पूछ लीजिए आप लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, जैसे आपने बताया ना कि तीन जो हमारे तीन ताप हैं, तो जैसे आध्यात्मिक बताया आपने, तो जैसे हमने पढ़ा है कि इसे दैहिक दैहिक ताप भी कहते हैं, जैसे दैहिक दैविक और भौतिक होते हैं ये, तो आध्यात्मिक का मतलब मैं समझ नहीं पाई। आध्यात्मिक तो हम अध्यात्म तो हम ईश्वर से संबंधित या स्पिरिचुअल जो होती है उससे संबंधित लगा लेते हैं। अच्छा आध्यात्मिक मैंने क्या बताया क्या? अच्छा कोई पेरी प्रभु हरे कृष्णा, आपका भी कोई प्रश्न था इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। प्रभु आप बताइए, आध्यात्मिक माता जी पूछ रहे हैं तो मुझे भी। हाँ नहीं, ये जो इन्होंने कहा मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि अध्यात्म की जब आप बात करते हैं तो उससे हम ये मतलब अभी तक तो यही हमने समझा है कि स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं और अपने अंतर को जानने की बात करते हैं। आज तो हमने कहा कि आध्यात्मिक तो परेशानियां भी होती हैं, तो ये कंफ्यूजन हो गया आज मुझे भी। हाँ नहीं प्रभु जी, एक्चुअली मैं आपके मैं बीच में आपको रोका भी था क्योंकि मुझे एक्चुअली कई प्रस्थान करना, इसलिए मैं रोका और मैं चाहता था कि सत्र कम्प्लीट करूँ माता जी और आप दोनों आदमी का, क्योंकि अंत में मैंने कहा कि आध्यात्मिक हमारे सभी चीज को करता है, लेकिन आध्यात्मिक क्लेश कैसा होता है। माता जी कैन वी जस्ट शो द स्लाइड प्लीज वंस अगेन एंड जस्ट गो टू द आई थिंक थर्ड और फोर्थ स्लाइड फ्रॉम द लास्ट। अध्यात्मिक नहीं है ये शब्द को आप ध्यान से देखिएगा, आध्यात्मिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश स्वयं के कारण। तो हम सब लोग का जो ये क्लेश है अपने अनियंत्रित मन इंद्री और भावना आदि के कारण होती है। दुख मैंने आप लोग को एग्जाम्पल बताया ना प्रभु, अपना ही तो मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया था कि अपने इंद्र तृप्ति मतलब कि मुझे आई विल बी कॉल्ड दैट आई एम हैविंग अ बिगर हाउस, और वो लोग बोलते हैं मैंसन में रह रहे, ठीक है मैं कोई रह रहा हूं, मैं उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। था मेरे पास फिर भी मैं गया कि नहीं मुझे अपना जो है वो मन के अंदर में हो गया कि नहीं मुझे तो अभी दो से दो क्यों चार रूम का हो, और चार रूम वाला मिल जाता हो सकता है तो फिर मैं सोचता चलो यार एक ना बंगलो ले लेते हैं उसमें कुछ सात आठ रूम वाला हो, कोई लिमिट है, है तो भगवान ने पहले ही बोल दिया। तो 12 साल हो गए सब कुछ दे के अब हाथ जोड़ लिया हरे कृष्णा हो गया। तो ये हमारा तो हमारी अनियंत्रित मन है ना, अगर हम अपने मन को नियंत्रित करके सोचते कि ये इतना जो है वो पर्याप्त है हमारे जीवन को, ये थोड़े जो है कि शरीर का पांच भाग को अलग अलग रूम में सुलाएंगे, शरीर तो एक ही है, सर को उठा के एक रूम में, बॉडी को उठा के दूसरा रूम में, लेग्स को उठा के तीसरा रूम में, ऐसा करें। अरे घर में तो कोई होगा ही नहीं, मैं और पत्नी है, बच्चे तो हो सकता है कुछ दिन के बाद जो है अपना अपना अपने स्थान पे कहीं पे कार्य करो या जहाँ पे भी, तो दो आदमी के लिए कंफ्यूजन इसलिए हो रहा था, नहीं अब समझ में आ गया, ये तो चीज समझ में पहले भी आ गई थी, वो असल में हम आध्यात्मिक को आध्यात्मिक से कंफ्यूज कर रहे थे, नहीं, वो आध्यात्मिक है आध्यात्मिक नहीं है। हाँ तो बस वो समझ में आ गया, गड़बड़ हमारी
यस यस प्रभु, मैं समझ गया था कि शब्दों का थोड़ा हेर फेर हो गया। हाँ वो था, वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक अलग चीज है, आध्यात्मिक अलग चीज है, ठीक है, वो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक ठीक है प्रभु जी, माता जी थैंक यू सो मच। मैं आप सब लोग से आज क्षमा मांगते हो, प्रश्न हो जरूर हम लोग अगले सत्र में लेंगे। और माता जी का भी था तो प्रभु जी और माता जी आप सब लोग, और मैं शनिवार के दिन पे हम सब लोग थोड़ा सेशन को एक्सटेंड भी करेंगे, और मैं प्रयास करूंगा कुछ दिन आप सब लोग का जितना भी क्वेश्चन सबका जवाब दें। हम सब लोग लिख भी रहे हैं, आप लोग भी लिख के रखिएगा प्रभु और माता जी। ठीक है, फिर यहाँ पे समाप्त करते हुए आप लोग से प्रार्थना करते हुए, आप लोग कल फिर सत्र में ज्वाइन करें, और इस जो यात्रा का जो हम सब लोग गीता के रहस्य की यात्रा जो संपूर्ण करने की विधान में है, ये संपूर्ण नहीं है, मैं फिर आप लोग से बता रहा हूँ ये शुरुआत है। तो आप लोगों को अभी स्टार्टर मिला है, अभी आप लोग को मेन कोर्स आगे मिलेगा, और वो हम सब लोग उसमें फिर से जुड़ेंगे, और उसमें आप सब लोग के लिए और प्रश्न होंगे, और सारी चीजें हम लोग बात करेंगे, और बहुत सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करके और ज्यादा सीक्रेट्स खोलेंगे। लेकिन ये 6 दिन में मैं इतना जरूर आपसे मतलब आप लोग को आश्वासन देता हूं कि आप सब लोगों को बहुत सारी चीजें आपके मन में स्थिर होगी, मतलब बैठेगी, और आप सब लोग के मन में जो चिंतन है और वो सब चीजें जो है वो एक ना एक अनुरूप लेगी, मतलब रूप उसका आएगा। और उसके बाद उसके ऊपर मैं और जब हम लोग आगे का जब अध्ययन करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे सब मिलकर, तो हमारा गीता का जो हमारा जो जर्नी है वो कंप्लीट, मैं कंप्लीट तो नहीं बोलूंगा, एटलीस्ट हम सब लोग उसमें प्रवेश कर जाए। धन्यवाद आप सभी लोग का फिर से, और मैं नमन करते हुए आप सभी लोग को हमारे हृदय से, और भगवान श्री राधा मदन मोहन से आप सभी लोग के लिए प्रार्थना करते हुए, और मैं आशा करते हूँ यस यस मोहित प्रभु जी विल सर्टिफिकेट विल बी गिवन ऑनलाइन ऑफलाइन एज यू सी, सो विल डू दैट, बट आप लोग पार्टिसिपेट करिए। ठीक है माता जी, कैन वी क्लोज इट। पद्मजा माता जी थैंक यू सो मच, आप रही, और हर्षिनी माता जी प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, हरे कृष्णा तानुम प्रणाम हरे कृष्णा संतन करो प्रभु जी, सिंधु देव अच्छा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, और यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी श्रोतागण की जय, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण।